क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी था जब शादीशुदा और अविवाहित लोगों पर अलग अलग टैक्स स्लैब घोषित किया गया था। हेलो नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास सीरीज बजट की एबीसीडी, जिसमें आज हम जानेंगे आखिर शादीशुदा और अविवाहित लोगों के लिए क्यों अलग अलग बनाया गया था टैक्स स्लैब और आखिर इससे कैसे कुंवारे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया था। बात है 1955-56 बजट की। उस समय चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख वित्त मंत्री थे और उन्होंने एक अनोखा बजट पेश किया जिसमें फैमिली अलाउंस की स्कीम शुरू की। इसके मुताबिक शादीशुदा लोगों और कुंवारे लोगों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब घोषित किया गया था। उस समय शादीशुदा लोगों के लिए 1500 रुपए का मौजूदा टैक्स एग्जम्प्ट स्लैब बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया और अविवाहितों के लिए इसे घटाकर 1000 रुपए किया गया। और ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया था बल्कि योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया गया था, क्योंकि सरकार फैमिली स्कीम शुरू करना चाहती थी। इसके साथ ही इनकम टैक्स पर अधिकतम दरों को 5 आना से घटाकर 4 आना कर दिया गया था। अब उस समय के टैक्स स्लैब पर एक नजर डालते हैं। 1955-56 में आए बजट के टैक्स स्लैब की बात करें तो शादीशुदा लोगों पर 0 से 2000 रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था, 2001 रुपए से 5000 रुपए की कमाई पर रुपए में 9 पाई और 5001 रुपए से 7500 रुपए तक की आमदनी पर रुपए में 1 आना और 9 पाई टैक्स के रूप में चुकानी पड़ती थी। वहीं अगर कुंवारे लोगों की बात करें तो 0 से 1000 रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था, 1001 रुपए से 5000 रुपए की कमाई पर रुपए में 9 पाई और 5001 रुपए से 7500 रुपए तक की आमदनी पर रुपए में 1 आना और 9 पाई टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। जाते जाते आपके हवाले एक रोचक बात, इसी बजट में पहली बार स्कीम का हिंदी वर्जन लाया गया था। तो ये थी आपके हवाले बजट से जुड़ी रोचक कहानी और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।